हेलो गाइस, प्रीव्यू में अभी आप लोगों ने जो एडिटिंग को देख रहे हो, मतलब कि फ़ोटो का कलर चेंज हो रही है और फोटो में जो फोटो जो रोल होती है वो वाला एडिटिंग हो रहा है। सिंपल से ये मतलब कि ये पूरा प्रीव्यू वाला वीडियो मैंने लाइट मोशन का यूज़ करके किया है। तो आज मैं आप लोगों को सेम प्रोसेस में लाइट मोशन का यूज़ करके आप लोगों को करके दिखाने देने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपल से आप लोगों को लाइट मोशन पर मैं दो इफेक्ट्स का यूज़ करके करने वाला हूँ। सिंपल से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद मीडिया वाले ऑप्शन पर जाने के बाद अपना फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेने होगा आप लोग जिस फोटो से ऐसा एडिटिंग करना चाहते हो। बेसिकली मैं ये जो हेडफोन का फ़ोटो है इसको यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं जो भी कुछ यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में, फुटेज हो, इफेक्ट्स हो, सब कुछ आप लोगों को मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप लोग जाके ज्वाइन हो जाना। डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। तो अब मैं सारा फ़ोटो को मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद मैं फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ, मुझे थोड़ा एरर हो रही है एडिटिंग करने में इस ऐप में, ठीक है। तो अभी मैं फिर से स्टार्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेम प्रोसेस में सारा फुटेज मतलब कि जितना सारा फ़ोटो है, मैं टोटल 5 फ़ोटो का यूज़ करने वाला हूँ। तो सारा फ़ोटो को मैं ऐड करके इसे जूम कर लेता हूँ अपने रेजुलेशन के हिसाब से, ठीक है, 9:16 रेजुलेशन के हिसाब से। तो मैं जूम कर लेता हूँ और मैं बता देता चाहता हूँ कि आप लोगों को, आप लोग पहले अपना मनपसंद के हिसाब से ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स सॉन्ग यूट्यूब से या तो किसी जगह से डाउनलोड करके रख लेना, चाहो तो आप खुद भी एडिट कर सकते हो। मैं एडिट नहीं किया, मैंने डायरेक्टली कॉपीराइट फ्री यूट्यूब से डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो आपको मैं वो भी सॉन्ग दे दूंगा, मतलब कि सब कुछ टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। तो मेरा 5 फ़ोटो लगभग ऐड हो चुका है। अभी हमें इस फ़ोटो का लेंथ को बढ़ा लेना है। आप लोग अभी बढ़ा सकते या तो वीडियो का अंत में भी बढ़ा सकते। मैं अंत में कैसे बढ़ाना होता है, मतलब कि सारे फ़ोटो को ग्रुप बना के उसको दिखा दूंगा, ठीक है। तो फोटो को ऐसे होल्ड प्रेस करके सिलेक्ट करने के बाद ऊपर में आप लोगों को ग्रुप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बस उसे क्लिक कर देना, ग्रुप हो जाएगा। अभी आपको इस ग्रुप में एक एफएक्स को ऐड करना होगा जो आप लोग अभी देख सकते हो। बस सर्च वाले ऑप्शन पर जाके एफएक्स वाले ऑप्शन पर HUE लिखना, बस आप लोगों को एफएक्स देखने को मिल जाएगा कलर वाला। फिर आप लोगों को प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन में जाकर अगर स्क्रीन पर जाके मैं लाइट कर दूं तो मेरा फुटेज के हिसाब से ये सेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फुटेज अलग है और सॉन्ग का मतलब कि कलर अलग है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना, अपना सॉन्ग ऐड करने के बाद ब्लेंडर में जाके इसे स्क्रीन पर अप्लाई कर देना। अगर आप लोग अच्छी तरह से सेट हो जाए कलर वगैरह तो ठीक है, नहीं तो आप लोग ट्राई करके देख लेना कौन सा एफएक्स में अच्छी तरह से सेट हो जाए, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो यूज़ कर सकते हो। बस इसमें आपका टेक्स्ट में थोड़ा सा येलो टाइप का कलर है वो थोड़ा सा आ जाएगा। फिर आप लोगों को अपना फोटो का लेंथ बढ़ाना होगा। तो आप लोग कैसे बढ़ा सकते हो, बस अपना ग्रुप पर क्लिक कर देने के बाद एडिट ग्रुप का ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना। फिर अपना फ़ोटो का जो लेंथ है उसे नॉर्मली आप लोग जैसे साइड प्लेस साइड में स्लाइड करके बढ़ा सकते हो वैसे नॉर्मली बढ़ा लेना। मेरा म्यूज़िक है 30 सेकंड्स का, तो मुझे सारे फ़ोटो का लेंथ मिला के 30 सेकंड्स का फोटो कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं फ़ोटो का लेंथ को 30 सेकंड्स तक बढ़ा लेता हूँ, आप लोग बढ़ा लेना। फिर आप लोगों को क्या करना होगा कि इस ग्रुप में आप लोगों को बस वही एफएक्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमारा फोटो का लेंथ भी आ गया है। फिर ग्रुप पे एफएक्स वाला ऑप्शन में जाके जिस एफएक्स को हमने शुरुआत में ऐड किया था उस एफएक्स पर शुरुआत में की फ्रेम लगाने के बाद अब हमारा जो ग्रुप का जो लेंथ है मतलब कि जो अंडरलाइन है उसका लास्ट में जाने के बाद इसका जो नीचे जो एफएक्स का अंडरलाइन है उसको आप लोग जितना चाहे बढ़ा लें। मैंने लगाया उसकी वजह से हमारा जितना सारा फोटो है उसमें कलर वगैरह चेंज होता जा रहा है, ठीक है। मैं इसे और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो मैंने कैसे बढ़ाया, कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपने फोटो के साथ भी ऐसा करना होगा, मतलब कि अपना फ़ोटो के साथ आप लोगों ने तो कर लिया, अभी आप लोगों को क्या करना होगा। फिर मोबाइल डाटा ऑन करने के बाद जो ग्रुप है, ग्रुप का जो एडिट ऑप्शन वाले ग्रुप एडिट वाले ऑप्शन में जाके फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना होगा और फोटो का इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में जाके आप लोगों को सर्च करना होगा, पेज लिख कर सर्च करना होगा, तो आप लोगों को ये इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा। बस इसे ऐड कर लेना। बस इसे ऐड करने के लिए आप लोगों को एक ऐड देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऐड देखने के बाद इसे ऐड कर लेना। फिर इसको आप लोग आगे पीछे करके देख सकते हो, इसका जितना सारा जो इफेक्ट्स का जो लेंथ है
मतलब कि अंडर लाइन है। ठीक है, मैं सिंपल सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। बस इस फोटो का शुरुआत में आप लोगों को की फ्रेम लगाना होगा और फोटो का लास्ट में जाके ऊपर वाला जो एकदम अंडर लाइन है उसे आप लोगों को मतलब कि इंक्रीज़ कर देना होगा। फिर आप लोगों को क्या करना होगा, इसे आपका इसी इफेक्ट्स को आप लोगों को अपना जितना सारा फोटो है सारे फोटो में ऐड कर लेना होगा। तो कैसे करोगे आप, बस फोटो का इफेक्ट्स वाला ऑप्शन में जाना है, उसके बाद डिलीट वाला ऑप्शन के लेफ्ट साइड में आप लोगों को थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। उस पर क्लिक करने के बाद कॉपी इफेक्ट्स का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो कॉपी इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट फोटो का नीचे आप लोगों को लेफ्ट साइड में थ्री डॉट का वाला ऑप्शन पर आप लोगों को पेस्ट इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। उस पर क्लिक कर देने के बाद आपका इफेक्ट्स को पेस्ट कर देना है। ऐसे आप लोगों को हर एक फोटो के साथ करना है, तो आपका वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को इतना तक आप लोग अपना वीडियो को देख रहे हो, आप मेरा वीडियो को इतना तक, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाना, उस पर आप लोगों को सारे टेम्पलेट मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।